दुनिया का पहला विश्व युद्ध। इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ कि आखिर ये जंग किसने शुरू की, लेकिन दुनिया की इस लड़ाई में मारवाड़ का एक नाम ऐसा भी रहा जिनकी बहादुरी के चर्चे आज भी कायम है। आखिर ये शख्स कौन था जिसके साहस ने ब्रितानी महारानी को भी हैरान कर दिया, और वो नाम है जोधपुर रियासत के तत्कालीन मुसाहिबे आला प्रताप, जिन्हें महारानी ने सर की उपाधि से नवाजा। सर प्रताप हमेशा ही अपने आप को सैनिक कहते थे और वे हमेशा युद्ध में रत रहना पसंद करते थे। यही वजह थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो सबसे पहले उन्होंने महाराज कुमार सुमेर सिंह साहब को, जो बहुत ही कम आयु में थे, उन्हें साथ लेकर वो स्वयं युद्ध के मैदान में पधारे। अनपढ़ लेकिन तेज तरार सर प्रताप का जन्म 1846 में हुआ, लेकिन मारवाड़ रियासत में कुदरतन तकलीफों के चलते सर प्रताप ने अपने आप को मारवाड़ के हवाले ही रखा। सर प्रताप जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जी के तृतीय महाराज कुमार थे। अगर उनको महानायक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, वो सर्वगुण संपन्न थे। जोधपुर के चार राजाओं के टाइम में असली शासन महाराजा सर प्रताप सिंह ने किया था। सर प्रताप देशी रियासतों के अंतिम काल में 40 सालों तक प्रशासक रहे। वर्ष 1878 से 1895 तक जोधपुर स्टेट के मुसाहिबे आला, 1895 से 1898 तक रिजेंट और वर्ष 1900 तक दोबारा जोधपुर के मुसाहिबे आला रहे। 1902 से लगाकर 1911 तक गुजरात ईडर स्टेट के शासक और वर्ष 1911 से 1922 तक जोधपुर के रिजेंट पद पर नियुक्त रहे। क्या आपने पत्थर का शिप देखा है? यकीनी तौर पर आप ना कहेंगे, लेकिन अगर आपको पत्थर का शिप देखना है तो इसके लिए आपको जोधपुर आना होगा। खास पहनावा जोधपुरी कोट और ब्रिजिस भी इन्हीं महानायक की देन है। रण क्षेत्र में दुश्मन को खाक करने में माहिर सर प्रताप ने बेहतरीन वास्तुकला से जोधपुर में 52 कचहरी और पत्थर की चट्टान को काटकर शिप हाउस बनवाया। फैशन के सर चढ़ा जोधपुरी कोट और ब्रिजेस भी सर प्रताप की ही देन है। इंग्लैंड की महारानी की हीरक जयंती में जब आप यहाँ से जा रहे थे, अपने सारे कपड़े एक जहाज के अंदर थे और वो जहाज डूब गया। वहां जाकर के उन्होंने अपने हाथ से कटिंग करके और इंग्लैंड के जो उस वक्त में टेलर थे उन लोगों को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको सिला जाए। उनके मार्गदर्शन के अनुसार सभी टेलर्स ने मना कर दिया। तब एक लेडी टेलर ने उनके डायरेक्शन के अनुसार जो सिला वो जोधपुरी कोट और ब्रिजेस था। जब इंग्लैंड से लौट के महाराजा वापस पधारे तब उन्हें लगा कि उनके लिए एक उसी जहाज के आकार का एक मकान बनाया जाए जिसमें वे निवास करके उस अपनी स्मृतियों को जीवंत रखना चाहेंगे, और अपने अंग्रेज अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंगें की और फिर तय किया कि नागोजी गेट के बाहर छोटी सी जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर एक महल का निर्माण करवाया जाए और वो पूरा का पूरा एक जहाज के आकार का हो। खुद भले ही अनपढ़ रहे, लेकिन सर प्रताप ने मारवाड़ी रियासत को शिक्षा की नायाब पहल की सौगात से नवाजा। उन्होंने न केवल स्कूलों को खुलवाया बल्कि लोगों को शिक्षित करने के लिए भी उनकी तरफ से अनेक प्रयास हुए, जिसको देखते हुए आगे चलकर अंग्रेजी सरकार ने उनके इस कार्य को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सर की उपाधि से नवाजा था। त्याग, साहस, शौर्य और अपनी निष्ठा के बलबूते सर प्रताप ने मारवाड़ से लेकर ब्रिटेन तक अपनी शूरवीरता का साम्राज्य स्थापित किया। सर प्रताप 1922 में अनंत में विलीन हो गए। रिपोर्ट NBN।